आज आगरा के एतमाद में हिंदूवादी संगठनों ने क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नवदुर्गा महोत्सव में एतमाद के बरन तराई से लेकर पान के होका तक कई मीट की दुकानें हैं, जो कि नवदुर्गा के टाइम पर भी बंद नहीं की गई हैं, जिससे माँ बहन बेटियों को निकलना दूभर हो रहा है। उसी के चलते हुए उन्होंने क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा तत्काल कार्रवाई करते हुए इन सभी दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि माँ बहन बेटियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू कर दी और बंद कराने का आश्वासन दिया। देखिए, नगर एतमादपुर में नवदुर्गा के पावन पर्व पर जो बूछड़ खाने चल रहे हैं, वो भी खुलेआम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी एक भी बूछड़ खाना ना तो पर्दे में है और ना ऐसे स्थान पर है जहाँ लोगों को दिक्कत नहीं आए। पथवारी जो मंदिर हमारा एतमादपुर में है, उसके बगल में भी दो बूछड़ खाने हैं और ये अपना बरेली रोड तराया है, उसके बगल सर्विस रोड है, वहाँ तो पूरी मंडी बना रखी है लोगों ने। वहाँ जो है महिलाएँ निकलती हैं पूजा के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ मीट की दुकान होती है वहाँ जंगली कुत्ते होते हैं, तो कई बार कुत्तों ने बच्चों पर भी हमला कर दिया है। और इस तरीके से खुले में ये मांस का व्यापार करना, ये करना जो है ये उचित नहीं है। लोगों को परेशानी भक्तों को हो रही है, तो मेरा आग्रह ये है, मैं किसी से ये नहीं है कि किसी के व्यापार को बंद कराने के लिए चाहता हूँ। यही है कि हम भी हर धर्म का सम्मान करते हैं, तो वो भी हमारा सम्मान करें। हमने CEO साहब से, क्षेत्राधिकारी CEO साहब से ज्ञापन दिया है और दुकानों को वहाँ से बंद कराने की मांग करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे और बंद कराएंगे। ये मांस की दुकान ऐसा है, किसी का व्यापार तो नहीं बंद करना चाहिए, मगर एक्चुअली ये है कि इनको थोड़ा सा इतना, ये पूजा पाठ वाला कार्यक्रम चल रहा है नौ देवी रात्रियों का, इनको थोड़ा अभी स्टॉपिंग। ये ज्ञापन दिया है, ये बता के आपको, अभी नवरात्रों का पर्व चल रहा है और ये हमारे एक धर्म का पर्व है, तो मैं बस यही चाहूँगा कि हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो ये मीट मांस की जो दुकानें चल रही हैं जो मंदिर के आसपास हैं, तो वो उनकी रोजी रोटी है, ठीक है, वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ हमारा जो धार्मिक जो कार्यक्रम चलते हैं उस टाइम के समय उन्हें बंद कर लेना चाहिए, अपने आप ही बंद करना चाहिए। और एक समाज को मतलब खुद ही एक तरह का उदाहरण बनना चाहिए कि खुद ही एग्जाम्पल देना चाहिए कि भाई जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में मिलकर कोई पर्व बनाए और किसी को कोई समस्या नहीं हो। नहीं, प्रशासन जो CEO साहब से बात हुई है, बोला आज हम उसको चेक करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि ये अवैध रूप से हैं या कैसे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको बंद कराएं और जो भी हैं जो CEO साहब कार्रवाई करेंगे। जो इस समय हमारा जो नवरात्रि त्यौहार चल रहा है, इस पर कम से कम हिंदुओं की मर्यादाओं का ख्याल रखा जाए और कम से कम मीट की दुकानें जो हाईवे पर चल रही हैं सर्विस रोड पर, उसको बंद किया जाए कम से कम 9 दिन के लिए। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिनमें इनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं कि कस्बे में कुछ लोग सर्विस रोड पे, हाईवे किनारे सर्विस रोड पे मीट की दुकानें खोले हुए हैं। खैर, हमने इस पे पहले ही कार्रवाई करा दी, हमने तुरंत थाना को सूचित किया है, वहाँ थाना पुलिस पहुँच के जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की। इसके लिए मैं बात करूँगा SDM साहब से, DO साहब से, कि इसका लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है, तो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई से की जाएगी। जैसे मानक जो है, ये क्या है कि नगर पालिका का क्या प्रोसीजर है, उनके यहाँ से मैं इस चीज़ों को पता करा के उनके साथ में बातचीत करके फिर इसकी मैं व्यवस्था करूँगा और जो भी आगे कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी।